गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज सुबह सुबह का प्लान सबसे पहले तो ये है कि मैं जा रहा हूँ नोएडा अपने क्लाइंट से मिलने के लिए, लेकिन जो अर्श है उसकी थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है। सुबह मेडिसिन ला के दी है बट अभी इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिला उसको। सो गाइस, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और साथ में आज जो वेदर है ना उसका तो बस मैं आपको बता ही नहीं सकता क्या वेदर है। काली घटा छाई हुई है और बारिश हल्की हल्की हो रही है, काफ़ी ठंडा वेदर हो चुका है और काफ़ी इन्जॉयमेंट वाला वेदर है, लेकिन मैं अकेला हूँ तो मैं अकेले इन्जॉय कर रहा हूँ आज, साथ साथ काम कर रहा हूँ। सो गाइज, अब मैं आ गया था घर, लेकिन घर आते ही पता लगा है कि एक काम और पेंडिंग है जिसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। बरसात भी हो रही है, पहले पीते हैं चाय। सो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और गाइज, मैं पहले भी आई थी तब भी बड़े पापा एडिटिंग कर रहे थे और अभी भी बड़े पापा एडिटिंग ही कर रहे हैं। और जब मैं उससे सुबह आई थी ना, जब मेरी ऑनलाइन क्लासेस थी, तब तो बड़े पापा कहीं गए हुए थे। हाँ बड़े पापा, एडिटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई आपकी? भाई लोग, मुश्किल काम है यूट्यूबिंग, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है और कई कई बार तो कंप्यूटर, जैसे मेरा तो कंप्यूटर सही नहीं चलता तो जान को आफत आ जाती है। आसान नहीं है, लगती आसान है चीज़ें, होती नहीं है, लेकिन काम करते रहो, मेहनत करते रहो, पीछा मत छोड़ो, समझी तू? यस। तो अब क्या प्लान है? अर्श कहाँ है? अर्श ना? हाँ, मैंने उनको देखा था जब मैं नीचे गई थी। आज ना उनकी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी, तो तेरा ध्यान रख उनका। और अश्वा है कहाँ अभी? बाहर देखियो, साइकिल तो नहीं चला रही है। वो भी तबीयत भी खराब है तब भी साइकिल चला रही है। बच्चे मानते भी तो नहीं है ना, तू भी तो कहाँ मानती है हमारी बात। नहीं देखो गाइस, जब मेरी तबीयत खराब थी ना, पीछे खराब थी ना, मैं ऊपर के अलावा कहीं नहीं आ रही थी। ऊपर के अलावा कहीं नहीं आ रही थी। ठीक है, मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम, वैसे तो जल्दी उठ गया था मैं, लेकिन अब जो बात शुरू कर रहे हैं आपके साथ वो ये है कि पहले तो आज का मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है, काफ़ी बढ़िया बरसात हो रही है, मज़ा आ रहा है सुबह से। नींद भी जो है ना वो आज सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट से खुली है और वेदर जो है वो ऑसम है, बरसात काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अर्श को डॉक्टर पे दिखा लाए हम और उसने मेडिसिन दी है। वैसे तो थोड़ा फर्क पड़ ही गया था इसको, लेकिन अब दवाई और ले आया ये, तो उम्मीद है कि शाम तक डॉक्टर हेल्थ की दवाइयां दी। देखो ना, देखो क्या खेल खेल रहा है, क्या खेल खेल रहा है, दवाइयां डॉक्टर ने दी है, क्या खेल खेल रहा है इनके साथ, दवाइयों के साथ लगा हुआ है खाम खाई। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, छोड़ दो ये फालतू के काम, इधर सुन रहे हो? अभी देखो सहज कहाँ का सीन है, आज कहाँ है सहज? क्लास ले, क्लास ले रही है। जाल का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, देखो ये पड़ा जाल, ये उधर ऊपर लगना है। उस दिन थोड़ा बहुत ये वाला पीस लगाया था उन्होंने, नया ये वाला पीस नया लगाया था ऊपर वाला, और अभी इधर भी लगना है और इस तरफ भी लगना है और ऊपर भी ऐसे कवर करके लगाना है। और दो दिन से लगातार बरसात हो रही है तो वो आ ही नहीं रहे करने के लिए, और लाजमी भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क है, इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रहता है। चाय बना रही शीतल? Yes. मैं तो एक बोलने के लिए ना आ ही रहा था कि चाय बना दो यार। तुम बोला मत करो, अपने बन जाओ। हैं? क्या? हैं? हाय, हम गाड़ी की पिछली सीट पे हैं। तुम पीछे सीट पे अच्छे लग रहे हो। ज्यादा मजाक उड़ा रही है ना? ज्यादा मजाक उड़ा रही है। बहुत ज्यादा। आज देखो गाड़ी कौन चला रहा है, ये वही बहन है जो आपको व्लॉग में दिखी नहीं। आज हमें ये कुछ खिलाने लेके जा रही है, रोज ही कहीं ना कहीं चले जाते हैं हम खाने के लिए कुछ ना कुछ। सही बात है, अभी हम कुछ खाते नहीं है, अभी हम कुछ खाते नहीं है, अभी हम डाइट पे हैं। नहीं डाइट पे नहीं, हम हेल्दी खाने पीने की डाइट पे हैं। और पता है हमारे साथ स्पेशली आज कौन जा रहा है? और एक ये बहन तो जा ही रही है, इसका नाम है जॉली एंड शी इज वेरी जॉली।
और देखो ये देखो शीतल भी जा रही है। सोचने वाली बात है लिटरली। उस दिन भी मैंने तुम्हें समोसा खिलाया था और यार अब सैंडविच किंग के पास आके तुम बोलोगे कि मेरे को समोसा खाना है तो यार कैसा रिएक्शन आएगा? यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। ये तो वही वाली बात होगी यार, मर्सिडीज के शोरूम में आके हम मारुति मांग रहे हैं, तो पहले तेरी कोल्ड कॉफी आ गई है। अच्छी तो है ही। भैया ये मोमोज वाली चटनी दे दोगे और ये प्लेट गिर जाएगी आपके हाथ। ऐसे कैसे गिर जाएगी प्लेट? छल्ली खाओगे? छल्ली खाओगे? खाओगे छल्ली? हाँ हाँ। छल्ली वाले को रुको, किसी चीज पे ना नहीं हो, खा ली होती। भैया छल्ली कैसे थी? दो कर दो। हाँ डेढ़ मिल जाएगी। डेढ़ थोड़ा ना मिलती है, आप लोग भी पंगे ले रहे हो। यार खाने वाले डेढ़ ही है ना। भैया एक पे मसाला बिल्कुल कम लगाना, बिल्कुल कम। और एक पे बहुत तीखा, एक पे बहुत तीखा, एक पे लाल चटनी ज्यादा। हाँ हाँ वो तीन नहीं, दो ही दे रहे हैं यार। दूसरे वाले में स्पाइसी कर देना, एक स्पाइसी कर देना बहुत ज्यादा। ये तीखी वाली है ना। हाल देखो भाई साहब, पानी का, सड़कों का फुल पानी दोनों तरफ भर रखा है, इधर भी और इधर भी। इधर से तो बहुत पानी है यार अब तेरी। और अभी ये शाम का टाइम है और बरसात अभी भी आ ही रही है और ट्रैफिक जाम में से निकल के आए हैं बड़ी मुश्किल से। अर्श भी गया हुआ ट्यूशन, वो हमारे साथ आज गया नहीं, उसने मिस कर दिया। और क्या करने गए थे हम? आज गए थे उधर, पूरा फूड हब है नोएडा में, तो वहाँ से हमने सैंडविच खाए, स्प्रिंग रोल्स खाए और फिर घर आ गए वापस। तो हम जॉली के साथ गए थे आज। सो गाइस अभी अर्श पे ट्यूशन से आ चुके हैं और अभी टाइम हो गया है व्लॉग को एंड करने का, तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आप चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कर देना। मिलेंगे कल आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय। चाय पिएगा अर्श? पी ले यार, चाय बनाता हूँ, मजा आ जाएगा। अब मैं कोल्ड कॉफी पी। हाँ तुम्हें तेरी तबीयत कैसी है? ठीक ही है। असह ही नहीं आई?